गुलामी में तो भारत माता को आजादी मिल गई, इस आजादी में गंगा माता गंदगी गुलामी। एक संकल्प लेना, ना तो गंदगी करेंगे अन्न करने देंगे, और कोई करेगा तो रोकेंगे भी टोकेंगे भी, अन्न मारेगा तो पकड़ के टोकेंगे भी। ये बहुत बुरी बात है, ये बहुत बुरी बात है। लक्ष्य एक ही है मेरा, माँ पे गंदगी रोकना और भक्तों का लक्ष्य गंदगी छोड़ना। बाबा के पास आओ, निःशुल्क चटाई ले जाओ और वापिस ले जाओ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन ब्लॉग स्टार यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो आज आपका भाई आ गया है हरिद्वार, और हरिद्वार का यह हर की पौड़ी घाट है जैसा कि, और पीछे दिखाइए हमारे छायाकार महोदय। तो यह क्लॉक मतलब कि घंटाघर या राजा बिरला टावर के नाम से जाना जाता है, और आपको यहाँ पे मतलब कि दिखा पा रहे हैं तो घाट है। अभी शाम का समय हो गया, गंगा आरती कवर करने के लिए आए थे इसलिए हम, लेकिन मुझे एक चाचा मिले यहाँ पर, और इनका जो है कि विचित्र वेशभूषा है और कुछ मैट वैट है इनके पास, तो थोड़ा इनके बारे में जानेंगे। और ये ऐसा क्या कर रहे हैं भाई साहब कि यहाँ पे इतना ज़्यादा मैट इकट्ठा किया, क्या मैट को बेच रहे हैं? मैट तो काफ़ी पुरानी हो गई है, इसके बारे में जानते हैं विस्तार से चाचा के बारे में। जय गंगा मैया चाचा। जय श्री गंगा मैया। और बताइए थोड़ा सा अपने परिचय देते हुए, आप क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पर? मैं सुभाष चंद्र गंगा स्वच्छ क्रांतिकारी, सभी देशवासियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ, गंगा जी पे आए बड़ी अच्छी बात, पूजा पाठ विधि विधान करें बड़े अच्छी बात है, और जल लेके जाएंगे और भी अच्छी बात है। ये गंदगी जो फैला के जाएंगे ये बहुत बुरी बात है, ये बहुत बुरी बात है। लक्ष्य एक ही है मेरा, माँ पे गंदगी रोकना और भक्तों का लक्ष्य गंदगी छोड़ना। बाबा के पास आओ, निःशुल्क चटाई ले जाओ और वापिस ले जाओ। चाचा यहाँ पर निःशुल्क चटाई दे रहे हैं, मतलब कि आप भाई तो ये देख पाइएगा, ये जो यहाँ पे आईना है, ये पॉलीथीन लेके जो 10-20 रुपए का कुछ भी लेके यहाँ सकता, और यहाँ पे घाट पे बिछा के यहाँ पे कचरा करके जाते हैं और तमाम प्रकार की गंदगी करते हैं कचरा पे। ये गंगा मैया यहाँ पोल्यूशन करने आते हैं, वो लोग अपना पाप धोने नहीं और पाप करने आते हैं यहाँ पर। मैं चाहता हूँ तो उनके बारे में क्या कहना, जो एक गंदगी करके जाते हैं यहाँ पर, जो गंदगी फैलाते हैं उनका भी नहीं पाते, उनका पाप कमा के जाते। अरे हमारे पूर्वजों ने शरीर हजारों हजारों वर्ष तप किए, जब किए इस माँ को लाने के लिए, क्या समय नहीं आया गंदगी से इसको बचाने के लिए? गुलामी में तो भारत माता को आजादी मिल गई, इस आजादी में गंगा माता गंदगी की गुलामी। और दुनिया कहती सरकार 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 सरकार, सुनते मेरे कान पक गए, कोई भी सरकार इसको स्वच्छ नहीं बना सकती। स्वच्छ बना सकते तो गंगा मल 5 मिनट का काम है, 5। एक संकल्प लेना, ना तो गंदगी करेंगे अन्न करने देंगे, और कोई करेगा तो रोकेंगे भी टोकेंगे भी, अन्न मारेगा तो पकड़ के टोकेंगे भी। चाचा एक काम, तो लोग अभी आप मारे हैं नहीं ऐसे, क्या दिक्कत है मारने में? मारे जो ऐसे गंदगी करके जा रहा, मारते हैं, मारते हैं, सेल्फ स्टिक। अगर आप आएंगे गंदगी करके जाएंगे तो तक अगर निगाह पर चढ़ गए तो भैया बढ़ा देंगे। जब भारत माता को आजादी नहीं थी, कितने को ठोका था, कितने ठुके थे, गिनती भी याद नहीं। अगर गंगा माँ के लिए ऐसा करना पड़ेगा तो वो भी बड़ी बात। जैसे आपका घर कहाँ पे रहते, कहाँ पे है आप? हरिद्वार ही घर आपका। ये पैसे लेते के चटाई वगैरह लेते थे क्या आप? भैया मेरी निःशुल्क सेवा, जो 10-5 रुपए को देता रोटी खाता हूँ उसी चटाई लाता हूँ, ना मुझे सरकार ने दी, ना किसी ट्रस्ट ने दी, ना कोई चीज संस्था ने दी, जो आप सेवा करते उसी चटाई ले आता हूँ। आप बता दें यहाँ पे आप 100 रुपए जमा करके जाइए, और गंगा आरती देखने के बाद यहाँ पे अपना 100 रुपए दे के और चटाई जो है कि वापस रख के जाइए, ताकि ये सेवा जो चटाई आपको दे पा रहे हैं, और जितने भी श्रद्धालु आए भारत कोने कोने विश्व से श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, गंगा आरती यहाँ का देखते हैं और हर की पौड़ी में स्नान करके जाते हैं गंगा जी का। और मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग भी जब भी आइए यहाँ पर, प्लीज गंदगी न करिए यार, इतना मेहनत करके साफ सफाई करते हैं लोग यहाँ के जो सफाई करने वाले हैं, और अगर गंदगी कर देंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ जो है कैसे ऐसे स्वच्छ गंगा माँ का जो है स्नान या दर्शन कर पाएंगे अपने धर्मों का, मतलब कि यही सब है कि यार कि आप लोग आइए और सफलतापूर्वक स्नान करके जाइए यहाँ से, बाकी जो है हम आपको दिखाते रहेंगे यहाँ पर जहाँ भी जाते हैं। जय हिंद जय भारत।